Hey guys, welcome back to the Stocks Insight channel. In today's video, we will be discussing about how I captured 100% return. So let's get straight to the topic. So जैसे कि देख सकते हैं आप, ये ChemFab Alkali का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का. सो मैंने क्या क्या देखा था, ठीक है. मैंने ChemFab ट्रेड लेने से पहले मैंने एक चार्ट ऑब्जर्व किया था जो सेम बिहेव कर रहा था और सेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे दोनों के. सो पहले मैं वो चार्ट आपको दिखाऊंगा, फिर ChemFab पे आता हूं. सो जैसा कि देख सकते हैं, ये BDL का चार्ट है, ठीक है. सेक्टर बहुत डिफरेंस है दोनों के, बट स्टिल स्टॉक सेम बिहेव कर रहा था. तो देखते हैं कैसे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये BDL है ना, एक हायर हाइज हायर लो स्ट्रक्चर पे था और यहां पर ऐसा लगा था कि ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, विच टर्न आउट टू बी अ शेक आउट, ठीक है. बट ये लास्ट हायर लोज बना था, वो लास्ट हायर लो जो बना था वो पिछले वाले हायर लोज को टेस्ट करने आया था, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद वो कंटिन्यूसली रैली देते चला गया, दैट इज BDL. सो मैंने क्या देखा, सेम चीज़ मैंने ChemFab में भी देखा. मोर ओवर मैंने ये भी देखा कि जितने भी ये गिर रहे थे, ये जो फॉल हो रहे थे मार्केट, वॉल्यूम बहुत ही ड्राई था, विच क्लियरली प्रूव कि सेलर्स के पोटेंशियल नहीं थे. सो यही चीज़ देख के मैंने ChemFab भी लिया था. सो मैं चलता हूँ अब ChemFab के चार्ट्स पे. सो सेम गोज विद द ChemFab. ChemFab का ये वीकली चार्ट है, ये ऑल टाइम हाई के पास था जैसे BDL था, लगा कि ये ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस वो पिछले हायर लोस को टेस्ट करने आ गया और ये स्ट्रक्चर हायर और हायर लोस बना रहा था. ये वाला जो था लास्ट हायर लोस जो शेकआउट दिया, जैसा लगा कि ऊपर ब्रेकआउट देके, बट वो शेकआउट पर टर्न हो गया, वापस वो पिछले वाले हायर लोस पर टेस्ट किया. और इफ़ यू लुक दैट सी द वॉल्यूम, सो कितना नीचे वाले वॉल्यूम है, विच क्लियरली प्रूव्स कि सेलिंग के पोटेंशियल है ही नहीं. फिर यहाँ से फिर इसके बाद मार्केट टर्न टू बी अ बिग प्रॉफिट. सो मैंने यहाँ एंटर किया था अराउंड 216 रुपीज़ के. मैं एंट्री पॉइंट लेके चलता हूँ आपको. सो एंट्री मैंने समवे यहाँ किया था, दैट इज़ यहाँ पर एंट्री किया था एक्सपेक्टिंग फॉर अ बिग ब्रेकआउट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है. बट ऐसा टर्न आउट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया एंड मैं बहुत रिलैक्स है ये ट्रेड को लेके. क्यों? क्योंकि आई वॉज नोइंग दैट कि जैसे ही मार्केट हमारा BDL जैसे किया था वैसे ChemFab भी कर सकता था, जैसे ही टेस्ट करेगा उसके बाद कंटिन्यूसली रैली देगा ही देगा, और वही चीज़ हुआ. मोर वो ये मैंने ही ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाया, मेरे ग्रुप मेट्स लोग मैंने कमाया है, और आपको वो लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखेगा जहाँ पर मैंने एंट्री लेने के लिए बोला था और सम ऑफ द प्रॉफिट्स. थैंक यू गाइस.